हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, है ना? और घर में रह करके मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे और हमारे वीडियो को देख देख करके काफी कुछ सीख रहे होंगे, है ना? तो चलिए, आज जो हम लोग वीडियो लेकर के आए हैं वो है फ्यूचर टेंस का तीसरा भेद, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ओके, जिसे हम हिंदी में पूर्ण भविष्य काल भी कहते हैं, ठीक है? तो आइए हम इसे पढ़ते हैं और आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो हमारे हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पहचानने का जो नियम होता है कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, है ना, या फिर लूंगा, लूंगा मैं एक अपने से अलग से लगाया हूं। जैसे मैं लोग बोलता हूँ, हम लोग बोलते हैं कि मैं इस काम को 10 बजे तक कर लूंगा, है ना? मैं वहां उस समय तक पहुंच जाऊंगा, है ना? तो लूंगा, जाऊंगा, है ना? अगर जो कोई आ रहा है, तक लगा करके लूंगा, जाऊंगा, आ रहा है, तो वो सेंटेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनता है, ठीक है ना? तो मैं इस पे एग्जांपल में आपको बताऊंगा कि किस तरह इसका प्रयोग करना है। आइए देखते हैं चुकेगा चुकी का एक एग्जाम्पल। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं इसका, कि इसका स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है? तो सब्जेक्ट शैल या विल का प्रयोग कहाँ होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है? आई और बी के साथ शैल, बाकी सभी के साथ विल, और है भी लगाना है प्लस यहाँ पे V3 का प्रयोग करना, ठीक है? तो देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं खाना बना चुकूंगा, है ना? मैं खाना बना चुकूंगा, तो क्या होगा? आई आई के साथ शैल लगाना है, आई शैल हैव, और V3 लगाना है, आई शैल हैव कुक्ड, है ना? आई शैल हैव कुक्ड फूड, ठीक है? ये तो ये हुआ कि मैं खाना बना चुकूंगा, है ना? वह खाना बना चुकेगी, तो सी विल हैव कुक्ड फूड, ठीक है? लेकिन अगर जो रह गया तक, है ना, कि मैं 10 बजे तक खाना बना लूंगा, देखिए यहां पे प्रयोग हुआ लूंगा, है ना? मैं खाना बना लूंगा, है ना? मैं वहां पहुंच जाऊंगा, इस तरीके से आएगा, मैं 10 बजे तक वहां पहुंच जाऊंगा, है ना? तो वैसे सेंटेंस को भी इजी टेंस में बनाते हैं, और तक के लिए बी बाई बाई का प्रयोग करते हैं, इसके लिए बाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है? आई शैल हैव कुक्ड फूड बाई 10 o'clock, है ना? तो आई शैल हैव कुक्ड फूड बाई 10 o'clock, मैं वहां 10 बजे तक पहुंच जाऊंगा। आई शैल हैव रीच्ड देयर बाई 10 o'clock, है ना? इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं, ठीक है? जहां तक इसके नेगेटिव का सवाल है, तो नेगेटिव में क्या करना है, शैल और बिल के जस्ट बगल में नॉट लगाना, उसके बाद हैव का प्रयोग करना, है ना? जैसे वह खाना नहीं बना चुकेगी, वह खाना नहीं बना चुकेगी, तो सी सी के साथ बिल लगता है, सी विल नॉट हैव कुक्ड फूड, सी विल नॉट हैव कुक्ड फूड, वह खाना नहीं बना चुकेगी, है ना? मैं वहां नहीं जा चुकूंगा, आई शैल नॉट हैव रिच्ड देयर या गोन देयर, ठीक है? इस तरीके से नॉट का प्रयोग करेंगे, इसका नेगेटिव बनाएंगे। तो उम्मीद है आपको पॉजिटिव और नेगेटिव समझ में आ गया होगा। अब इसका हम लोग इंट्रोगेटिव देखेंगे, तो इंट्रोगेटिव में पहले शैल बिल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव का प्रयोग करेंगे, है ना? तो एग्जाम्पल में देखते हैं, क्या वह खाना बना चुकेगी, क्या वह खाना बना चुकेगी, ठीक है? तो विल सी हैव, विल सी हैव कुक्ड फूड, विल सी हैव कुक्ड फूड, क्या वह खाना बना चुकी है? अगर जिसमें 10 बजे तक, तो बाई 10
10 o'clock लगाएंगे सिर्फ, सिंपली है क्या हुआ, 10 बजे तक खाना बना चुकेगी, will she have cooked food by 10 o'clock, है ना, इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। अब इसका जहां तक नेगेटिव इंट्रोगेटिव का सवाल है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव तो क्या करेंगे, क्या वह 10 बजे तक खाना नहीं बना चुकेगी, तो इसमें क्या लगाएंगे, विल सी नॉट हैव कुक्ड फूड, है ना, विल सी नॉट हैव कुक्ड फूड, या फिर वॉन्ट सी भी लगा सकते हैं, वॉन्ट सी हैव कुक्ड फूड, है ना, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, है ना, बिल और नॉट को एक साथ लिखेंगे, वॉन्ट सी हैव कुक्ड फूड, क्या हुआ, खाना नहीं बना चुकेगी, इस तरीके से हम इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे। डब्ल्यू एच क्वेश्चन का जहां तक सवाल है, तो इसमें जो क्वेश्चन आएगा, वह क्या कर चुकेगी, ठीक है ना, तो क्या के लिए वर्ड लगाएंगे, है ना, पहले हम लोग डब्ल्यू एच वर्ड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम लोग सेम टू सेम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है ना, इसके आगे पुट करेंगे, ठीक है, तो व्हाट विल सी हैव कुक्ड, व्हाट नहीं करना है ना, तो डन का प्रयोग होगा, व्हाट विल सी हैव डन, है ना, वह क्या कर चुकेगी, है ना, इस तरीके से, अगर जो नेगेटिव डब्ल्यू एच क्वेश्चन रहा, है ना, कि तुम वहां क्यों नहीं जा चुकोगे, है ना, तो इसमें हम लोग बनाएंगे व्हाई वॉन्ट यू, या फिर व्हाई विल यू नॉट, है ना, दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, व्हाई वॉन्ट यू गोन देयर, है ना, तुम वहां क्यों नहीं जा चुके हो, व्हाई वॉन्ट यू गोन देयर, या फिर व्हाई विल यू नॉट, व्हाई अच्छा यहाँ हैव का भी प्रयोग होगा, व्हाई वॉन्ट यू हैव गोन देयर, है ना, या फिर व्हाई विल यू नॉट हैव गोन देयर, है ना, तुम वहां क्यों नहीं जा चुकोगे, तो ये था आपका बेसिक फ्यूचर परफेक्ट टेंस, है ना, लेकिन अभी और बाकी है, अभी जाए कहीं जाइएगा नहीं, इसमें मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेंटेंस बताने जा रहा हूँ, है ना, आप मात्र 2 मिनट के लिए भी और इस वीडियो को देखते रहे, है ना, मैं थोड़ा इसे साफ कर देता हूँ, उसके बाद इस, क्योंकि मैं बताने जा रहा हूँ कि इसमें भी डबल सेंटेंस का प्रयोग होता है, ठीक है, तो मात्र 2 मिनट के लिए और ध्यान दे दीजिए, ठीक है, कैसा सेंटेंस होता है वो मैं बताता हूं आपको, इसमें भी डबल सेंटेंस होता है इस प्रकार से कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुकेगा, है ना, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुकेगा, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुके होंगे, है ना, तुम मेरे आने से पहले तुम जा चुकोगे, या फिर तुम्हारे जाने से पहले मैं आ चुकूंगा, इस तरह का भी सेंटेंस इस टेंस में बनाया जाता है ना, लेकिन ध्यान देंगे कि जो काम पहले हो जाएगा, पहले क्या हो जाएगा, रोगी मर जाएगा, है ना, रोगी मर जाएगा, तो इसे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट के स्ट्रक्चर से बनाएंगे, इसे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट के स्ट्रक्चर से बनाएंगे, और जो काम बाद में होगा उसे प्रेजेंट इंडिफिनिट, ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट सबसे शुरू वाले टेंस से बनाएंगे, यानी कि इसमें आप प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट का, है ना, लेकिन इसमें आप प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट प्लस वी वन या वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, और पहले की अंग्रेजी बिफोर तो देंगे ही, ध्यान दीजिएगा, तो कैसे बनेगा, है ना, ये इधर लिखाएगा, ये इधर और ये इधर, ठीक है, तो सबसे पहले रोगी मर जाएगा, तो क्या क्या लिखेंगे, द पेशेंट विल हैव डाइड, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर बिफोर द डॉक्टर
कम्स है ना, क्योंकि भी डॉक्टर थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ बी फाइव लगता है ना प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, तो डॉक्टर कम्स होगा। तो क्या बना, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स है ना, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुकेगा। द थीव्स विल हैव गोन बिफोर द पुलिस कम्स है ना, इस तरीके से तुम्हारे आने से पहले मैं जा चुकूंगा है ना, आई शैल हैव गोन बिफोर यू कम, इस तरीके से बनाएंगे। पहला जो वाक्य है वो फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे और दूसरा वाक्य है जो प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपने आप आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा है ना। इसी तरह हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। ओके, आप काफी कुछ सीखते रहिए, अंग्रेजी बोलते रहिए, लिखते रहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।